ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को फिर से स्पॉट किया गया है गाइस आफ्टर रेसमीना सेकेंड टाइम रोमन रेंस स्पॉट हुए। फर्स्ट टाइम हमने देखा था वो उनके फिल्म सेट गुड फॉर्चून में, उनका जो रोल है उनने एक उनकी पिक डाली थी। और यार अब सेकेंड टाइम वो अपने फैमिली के साथ प्राइवेट वीआईपी टूर कर रहे हैं डिज्नी वर्ल्ड का, तो यहाँ पे इमेज देख सकते हो। मेरे को पता नहीं क्यों लोग डाल रहे हैं बार बार रोमन रेंस इन इंडिया, रोमन रेंस इन इंडिया। अगर रोमन रेंस इंडिया में होते ना ब्रो, हम न्यूज चैनल्स को डालना भी नहीं पड़ता। रोमन रेंस का इंडिया में इतना फैन बेस है कि पहले ही लोगों को पता लग जाता, वो यहाँ से 12 घंटे पहले भी आते तो लोगों को उसी समय पता लग गया होता रोमन रेंस इंडिया में। सो गाइस डोंट वरी, रोमन रेंस इंडिया में नहीं है, वो आएंगे तो मेरे से पहले आप लोग को शायद पता लग जाएगा। बट यस, रोमन रेंस अभी इंजॉय कर रहे फैमिली के साथ वेकेशन में, वीआईपी टूर कर रहे हैं डिज्नी वर्ल्ड में। कल की वीडियो में मैंने अपडेट किया था कि देखा फार्ट 2 का डेब्यू होने वाला है बैकलैश से पहले, बट यार अब उसके लिए नया अपडेट ये आ रहा है कि पीडब्ल्यू ने रिपोर्ट किया है देखा फार्ट 2 इज नो लॉन्गर स्लेटेड टू डेब्यू विद इन द नेक्स्ट वीक एज सम ओरिजिनली एक्सपेक्टेड। पार्ट 2 विल डेब्यू व्हेन द टाइम इज राइट इन द ब्लडलाइन स्टोरी। तो यार ये बात सही भी लग रही है क्योंकि उनके डेब्यू के लिए इतना रश नहीं लग रहा है डब्ल्यू को। या ये बात सही भी क्योंकि टामा टोंगा जस्ट आया और आप अभी से ही देखा फार्ट 2 को ले आओगे तो टामा टोंगा अपना नहीं दिखा पाएगा पावर की उसके अंदर क्या है। तो मुझे लगता है अभी जब तक सिंगल सिंगल चल, क्योंकि रोमन रॉक तो है नहीं अभी, ओनली सिर्फ ओनली जेओस एंड जेम्यूसो है, तो जब तक टामा टोंगा एंड सोलो सेकोआ को एक और को जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक जेम्यूसो जेओसो अकेले अकेले रहेंगे। जब वो लोग एक हो जाएगी और वो लोग भी सेम नंबर में हो जाएगी 2-2, तब देखा फार्ट 2 का डेब्यू होएगा। क्योंकि साफ सी बात है अभी वो लोग आउट नंबर नहीं है, जैसे ही आउट नंबर हो जाएंगे, जैसे ही उधर भी दोनों हो जाएंगे जेओसो जेम्यूसो साथ में, और उनको एक और जन की जरूरत पड़ेगी जीतने के लिए, तब देखा फार्ट 2 डेब्यू करेंगे। और ये बात सही भी लग रही है और लेट्स सी अब हमें वो कब देखने मिलेगा। समझ लैम से पहले तक तो हो ही जाएगा मुझे लगता है। नेक्स्ट अपडेट उस बंदे के लिए गाइस जिसने रेसलमेनिया 40 में शॉकिंग अपीयरेंस देके 4 चांद लगा दिए रेसलमेनिया में, जो कि है अंडरटेकर द डेड मैन। तो यार द डेड मैन अंडरटेकर के लिए ये अपडेट है, पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये रिपोर्ट किया है कि अंडरटेकर ने एनडब्ल्यूडब्ल्यू ने एक नई अग्रीमेंट हुई है न्यू लेजेंड डील से रिलेटेड। तो यार उन्होंने 2019 में लेजेंड डील की थी एक डील 15 ईयर्स की, बट वो अब रेसलमेनिया 40 के बाद कुछ चेंजेस लाए हुए जो उन्हें इतना बढ़िया अपीयरेंस दी है, तो उसके वजह से या कोई भी रीजन से एक नई डील अरेंज हुई है। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए भी होगी क्योंकि यार अंडरटेकर कहीं नहीं जाएगी और डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहेंगे। और लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो मैं बता दूंगा, इस रेसलर लड़े ना लड़े रिंग के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहता है कि वो वीडियो गेम्स के अंदर अपियर करेंगे, मर्चेंडाइज सेल उनकी फिर भी रहेगी, उनकी इमेज यूज कर सकते हैं। लेजेंड डील में ये सब होता है एंड अंडरटेकर तो यार वो डिजर्व करते ही है। कुछ और रेसलर जो इन सब लिस्ट के अंदर है लेजेंड लिस्ट में, वो है कर्ट एंगल, बुकर टी, डडली बॉयज, जेरी लॉरर, और ऐसे और बहुत है बाकी आप समझ जाओ। ऐसे टाइप ऑफ लेजेंड्स ये डील में है, नाम ही लेजेंड डील है। अगला अपडेट अच्छा नहीं है, जिमी ओसो की तरफ से आ रहा है, फाइटफुल ने रिपोर्ट किया है जिमी ओसो हैज बीन साइडलाइन विद एन अनडिस्क्लोज्ड इंजरी, टाइम टेबल फॉर रिटर्न अननोन येट। अब ये ब्रिटेन की जो स्टोरी चल रही है उसको भी ये पॉज पे डाल सकता है एंड आगे जा सकता है टाइम से, और जिमी ओसो भी इंजर्ड हो गए हैं। तो ये दो दो बैड न्यूज़ है। अब यार 2023 की तरह ये रिपीट चल रहा है 2024 में भी इंजरीज का, बैक टू बैक इंजरीज आते जा रही है, और सिर्फ इंजरी नहीं अब तो स्टोरी लाइन भी पॉज हो गई है इसकी वजह से। सो लेट्स होप एंड विश अ स्पीडी रिकवरी टू जिमी ओसो एंड जल्दी से जल्दी वापस आए ताकि हमें न्यू ब्लड लाइन वापस वर्सेस ओजी ओल्ड ब्लड लाइन देखने मिले। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यार ब्रोकन ड्रीम्स का टीज किया है गाइस, आप लोग देख सकते हैं इमेज डाली है ड्रू मैकइंटायर की एंड ऊपर कैप्शन में लिखा है ब्रोकन ड्रीम्स के वर्ड्स, आउट ऑफ टाइम्स सो से गुड बाय, व्हाट इज योर्स नाउ इज माइंड, एंड क्लासाटी कैसल की तक क्लोज है, स्कॉटलैंड में है, यूके में, ड्रू मैकइंटायर के होम कंट्री में। तो यार क्लैश एट दी कैसल में हमें ब्रोकन ड्रीम्स गारंटी देखने मिलने वाला है, मे बी हमें किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में देखने मिल जाए, किंग एंड क्वींस को टूर्नामेंट में, कुछ भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस ये है कि हमें ब्रोकन ड्रीम्स क्लैश एट दी कैसल में जरूर देखने मिलेगा। एंड मेरे ख्याल से ये वापस वन टाइम वाली बात ही होगी कि हमें क्लैश एट दी कैसल में देखने मिलेगा, उसके बाद फिर से हमें नॉर्मल जो भी करंट टीम चल रहा है वही देखने मिलेगा, ब्रोकन ड्रीम्स ना देखने मिले। जाते जाते हुए यार एक फनी सी सेमस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर की ट्विटर वॉर शुरू हुई है तो वो देख लेते हैं। ड्रू
तो यार ये रॉक के बाद शुरू हुई थी जब सेमस ने सबसे पहले ट्वीट करके डाला था बगर आफ्टर बगर आफ्टर बगर आफ्टर बगर। आप देख सकते हो कितने बार डाला था इसका सेमस ने, एक क्लिप के साथ डाला है, टीएनए की क्लिप के साथ डाला है। उसके बाद सेमस ने ये सब लिखा है जो आप पढ़ सकते हैं, ये मैं बोलूँगा नहीं। फिर इसका फिर से सेमस ने एक और रिप्लाई किया जिसपे इसके बाद एक और किया, वो सबसे अल्टीमेट है जिसमें उन्होंने सीएम पंक को भी ऐड किया, ग्रेवयार्ड का टोम्बस्टोन डाला हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रू मैकइंटायर ने एंड में क्या रिप्लाई किया है। सो यार गाइस हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमें बैकलैश में सेमस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर देखने मिल जाए। मुझे नहीं चाहिए ये मैच इतने जल्दी हो यार, अभी तो सेमस वापस आए हैं, बट ये कि ड्रू मैकइंटायर की काफी फ्यूज ऑलरेडी प्लान भी है, तो हो भी सकता है सेमस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर देखने मिल जाए। बाकी आप लोग को बैकलैश में ये मैच देखनी है कि नहीं जरूर कमेंट में बताना। इस मैच के लिए रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा चल रहा है इंटरनेट पे कि ये मैच हमें चाहिए, तो हमें समर स्लैम से पहले देखने मिल जाए, समर स्लैम में देखने मिलेगा। आप लोग जरूर पर आना, पर आप लोग को ये मैच चाहिए कि नहीं।